कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव, एक मरीज इलाज के बाद ठीक होकर घर लौटा। प्रयागराज में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, 16 विदेशी नागरिक समेत 30 लोगों को भी जेल, प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद पर नागरिकों की मदद करने का आरोप। सीतापुर में लॉकडाउन के बीच कांस्टेबल पर दरोगा को पीटने का आरोप, दरोगा की तहरीर पर कांस्टेबल के खिलाफ केस दर्ज, आरोपी कांस्टेबल सस्पेंड। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख में नहीं होगा बदलाव, 29 अप्रैल को सुबह 6:10 पर ही खुलेंगे केदारनाथ के कपाट, मौके पर रावल भी धाम में रहेंगे मौजूद, 15 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों को फीस न बढ़ाने के निर्देश, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने दिए निर्देश, शिक्षा मंत्री ने कहा प्रदेश में एनसीईआरटी के अलावा दूसरा पाठ्यक्रम मंजूर नहीं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों को ऑन ड्यूटी सुरक्षा देने के लिए सरकार से अपील की, इन हमलों के विरोध में व्हाइट अलर्ट प्रदर्शन करेगा आईएमए, प्रदर्शन के तहत आज देश भर में डॉक्टर्स और अस्पताल इसके खिलाफ मोमबत्ती जलाएंगे। उन्नाव में भगवान पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले शिक्षक पर गिरी गाज, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने लिया संज्ञान, बीएसए ने शिक्षक को सस्पेंड कर जांच के दिए आदेश। बागपत पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में 66 मुकदमे दर्ज किए, 463 लोग नामजद और 98 लोगों को किया गया गिरफ्तार। फिरोजाबाद में शिकोहाबाद में थाने को लेकर मजदूरों ने किया हंगामा, पुलिस ने समाजसेवियों की मदद से मजदूरों के खाने का इंतजाम किया। योगी सरकार ने लॉकडाउन में रमजान के लिए की विशेष व्यवस्था, घर पर ही सामान डिलीवरी के निर्देश, रोजेदार घर पर ही रहकर करें रोजा। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से की लॉकडाउन का पालन करने की अपील, रमजान के दौरान घरों में रहकर ही इबादत करने को कहा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना राबे हसनी नदवी की मुसलमानों से अपील, रमजान के दौरान घरों में रहकर ही इबादत करने को कहा। फिल्म अभिनेता रजा मुराद ने रमजान के पवित्र महीने को लेकर लोगों से अपील की, रजा मुराद ने लोगों से घर पर ही रहने को कहा, उन्होंने लोगों से घर में ही रहकर इबादत करने की अपील। बरेली में घर जाने की जिद करते हुए पेड़ पर चढ़ी महिला, महिला पुलिसकर्मियों ने फायर ब्रिगेड की मदद से महिला को पेड़ से उतारा, पिछले कुछ दिनों से नारी निकेतन में रह रही थी महिला। गाजीपुर में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त, मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए उठाए आवश्यक कदम, मंडियों में एक मजिस्ट्रेट, एक एसआई और 4 कांस्टेबल की तैनाती की गई। प्रयागराज में सरकारी क्रय केंद्रों पर आने वाला गेहूं भारतीय खाद्य निगम के मानक से काफी दूर, डेप्यूटी आरएमओ अंशु माली शंकर ने कहा जिले के अलग अलग केंद्रों से लिए गए 7 नमूनों में से 6 सैंपल फेल, एक पर चल रही खरीद। अल्मोड़ा में कौसानी मोटर मार्ग पर अतकोट गोलू मंदिर के पास गाड़ी ड्राइवरों के भोजन की व्यवस्था की गई, स्वयं सेवकों ने ट्रक, कार ड्राइवरों के लिए की व्यवस्था, कार जरूरतमंदों को दिया जाएगा खाना। उधम सिंह नगर में रमजान के पवित्र महीने को लेकर पुलिस ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ की मीटिंग, मस्जिद की जगह घर में ही नमाज अदा करने की अपील की, कोरोना से जंग में प्रशासन का सहयोग करने के लिए भी कहा। गोंडा के खराचिया गांव के लोगों ने बाहर से आने वाले लोगों की एंट्री पर लगाया बैन, कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लिया गया फैसला। उन्नाव शहर सीमा से करीब 3 किलोमीटर दूर एक हाई सिक्योरिटी अस्थायी जेल बनाई गई, जिसमें कोरोना पॉजिटिव वांछित आरोपियों और तबलीगी जमात के साथ ही उपद्रव करने वालों को 14 दिनों तक रखा जाएगा। बीएचपी नेता साध्वी प्राची ने पालघर में साधुओं की हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग उठाई, कार्रवाई न होने पर महाराष्ट्र के सीएम का घेराव करने की चेतावनी। शामली में लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से कराया जा रहा है पालन, एसपी ने बाइक पर सवार होकर लिया शहर का जायजा, बेवजह घूम रहे लोगों के खिलाफ दर्ज कराया केस। महोबा में लेखपालों ने पुलिस विभाग पर लगाया आरोप, राहत कार्य में लगे राजस्व कर्मियों से अभद्रता करने का लगाया आरोप, लेखपाल संघ ने उपजिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। हापुड़ में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी और स्वास्थ्य कर्मियों की जांच की गई, रैपिड टेस्टिंग किट से की गई सभी की जांच। हापुड़ में रैपिड किट से टेस्टिंग के दौरान डायल 112 में तैनात 2 पुलिसकर्मी पाए गए कोरोना पॉजिटिव, दोनों पुलिसकर्मियों को किया गया क्वारंटीन, दोनों के सैंपल जांच के लिए मेरठ भेजे गए। हापुड़ में कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मी के संपर्क में आए एक अन्य पुलिसकर्मी जो उनके साथ रूम शेयर करता था उसको भी क्वारंटीन किया गया। फिरोजाबाद के टुंडला को सैनिटाइज कराने पहुंचे आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल, किसानों की मदद से सभी 25 वार्डों को किया गया सैनिटाइज, कहा केवल सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन ही कोरोना जैसी महामारी का बचाव है।
ललितपुर में लॉकडाउन के दौरान साफ सफाई की जिम्मेदारी निभाने वाले कोरोना वॉरियर्स नगर पालिका अध्यक्ष ने सेफ्टी किट, मास्क और सैनिटाइजर बांटे। देहरादून में एसटीआरएफ के 39 जवान क्वारंटीन किए गए। ये सभी जवान एसटीआरएफ के जवान कोटा से लाए गए छात्रों के साथ थे। छात्रों की भी थर्मल स्क्रीनिंग की गई। ललितपुर में मध्य प्रदेश से सटे इलाकों के बॉर्डर को सील किया गया। सीमा से सटे एमपी के जिलों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद सील किया गया। ललितपुर में एहतियात के तौर पर प्रशासन ने गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई। पुलिस भी जगह जगह मुस्तैदी बरत रही है। ललितपुर प्रशासन ने साफ किया कि कोरोना से निपटने के लिए पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं, किसी तरह की लापरवाही बरती नहीं जाएगी। रामनगर में दो अकाउंट्स को हैक किया गया जिनमें धार्मिक उन्माद फैलाने वाले मैसेज किए गए। पाकिस्तान के हैकर्स पर हैक करने का आरोप है। सुल्तानपुर में कोरोना मरीज मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट। डीएम के नेतृत्व में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ढेमा गांव पहुंची और जायजा लिया। डीएम ने पूरे गांव को सील करने के निर्देश दिए। मरीज के संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटीन करने के आदेश। लॉकडाउन की वजह से हरिद्वार नहीं जा पाए कई लोग। सहारनपुर में यमुना नदी में ही विसर्जित करनी पड़ी अस्थि। फतेहपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्क्रीनिंग का काम शुरू किया। कश्मीरी गांव में 22 बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। सभी की रिपोर्ट आई नेगेटिव। जौनपुर के शाहगंज कस्बे में भी अनोखे तरीके से जागरूकता फैलाई गई। शाहगंज में यमराज के भेष में एक शख्स सड़कों पर निकला और लोगों को घरों में रहने का पाठ पढ़ाया। गोंडा में कोरोना योद्धाओं का किया गया सम्मान। पुलिसकर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों, बैंक कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों का फूलों की माला से स्वागत। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में अहम भूमिका निभाने के लिए सराहना। प्रयागराज में मवेशी चराने गए दो लड़के, नदी यमुना में डूबे, एक की लाश मिली, एक की तलाश जारी। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा पहुंचकर किया योग। कहा अधिकारी और कर्मचारियों को घर पर योग करने के लिए दिए गए हैं निर्देश। 21 तारीख को विधानसभा में योग कार्यक्रम का होता है आयोजन। पिथौरागढ़ में शराब तस्करी का भंडाफोड़, एक आरोपी गिरफ्तार, 76 पेटी शराब बरामद। आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया। पालघर में दो संतों की हत्या पर महाराष्ट्र पुलिस को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोटिस। 16 अप्रैल को हुई थी मॉब लिंचिंग, 101 लोग भेजे जा चुके हैं जेल। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की लिंचिंग को शरद पवार ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पुलिस की कार्रवाई को बताया ठीक। कहा गलत फहमी से हुई वारदात का मतलब ये नहीं कि राज्य में कानून व्यवस्था ठीक है। बिहार के अररिया में कोरोना योद्धा का अपमान। चेकिंग में पास मांगने पर अफसर ने कराई होमगार्ड से उठक बैठक। डीजीपी ने कहा शर्मनाक है ये हरकत, करेंगे कार्रवाई। कश्मीर के तंगधार में बर्फीले तूफान में फंसी एसटीएम की जीप। सेना के जवानों ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन, ड्राइवर और गार्ड की भी जिंदगी बचाई। कोरोना पर चीन के बचाव में डब्ल्यूएचओ का नया शिगुफा। कहा लैब में बना नहीं लगता वायरस, किसी जानवर से इंसान में आने की ज्यादा है आशंका। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान पर कोरोना संक्रमण का खतरा, हो सकते हैं क्वारंटीन। 6 दिन पहले मिलकर कोरोना फंड का चेक देने वाले फैजल ईदी निकले कोरोना पॉजिटिव। कोरोना महामारी के बीच आतंकवाद पर पाकिस्तान की साजिश बेनकाब। मार्च से अब तक पाकिस्तान ने 1800 आतंकियों के नाम वॉच लिस्ट से हटाए। जैकी उर रहमान लखवी पर भी मेहरबानी। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। आतंकियों की सूचना मिलने के बाद सेना ने जिले के मेलहोरा इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस बीच आतंकियों ने सेना के जवानों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। बिहार के बागा में एक घर में तेंदुआ मिला। वाल्मीकि नगर थाने के कनभुसरी गांव में एक घर में तेंदुआ पलंग के नीचे बैठा मिला। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी जानकारी। वन विभाग ने कई घंटों की मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़कर जंगल में छोड़ा। तेल के दामों में आए रिकॉर्ड गिरावट पर फ्रांस के वित्त मंत्री ब्रूनो लिमेर ने चिंता जताई। कहा कि तेल के दामों में गिरावट वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा। स्पेन कैबिनेट ने देश में लॉकडाउन 9 मई तक बढ़ा दिया। हालांकि अप्रैल 27 से बच्चों को कुछ छूट देने की तैयारी। 14 से कम उम्र के बच्चों को अपने अभिभावक के साथ सुपर मार्केट और फार्मेसी जाने की होगी छूट। ब्राजील में रियो डी जेनेरियो के पास एनजीओ के सदस्यों ने चावल, आटे और अन्य जरूरी सामानों के बैग बांटे। लॉकडाउन के चलते देश में 38 मिलियन अनियमित मजदूर बेरोजगार हो गए। वुहान में नगर पालिका ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कूपन बांटे। पहले चरण में कई मिलियन डॉलर के कूपन बांटे गए। लोगों में खरीदारी को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया कदम।